was the poet, novelist, as well as a professor and a religious ladies. तो इसने नए साल के वादे न्यू ईयर रेजोल्यूशन यानी नए साल के वादे लेकिन की जाती है, शराब नोशी वगैरह की जाती है, डांसिंग किया जाते हैं, अले गुले किए जाते हैं, लेकिन शहरा जो है इन रिवायात से हट के करना चाहती है, गुनाहों से हट के करना चाहती है, क्योंकि ये जो पोएम लिखी हुई है ये इसका सेल्फ इम्पीचमेंट है, वो उन गुनाहों से बचना चाहती है। मे भी हो सकता है कि शहरा ने कोई माजी में कुछ गुनाह वगैरह किए हों और वो अपने नफ्स को उन गुनाहों से पाक करना चाहती है। तो इसने पोएम में तीन वादे अपने आप से किए हैं। आज हम ये करेंगे। सबसे पहले वो कहती है कि आई विल ड्रेन, कि मैं पीऊंगी। ड्रेन का मतलब होता है पीना। मैं पीऊंगी लॉन्ग ड्रॉट्स ऑफ वाइट। ड्रॉट्स यहाँ पे लफ्ज़ यूज हुआ है, ड्रॉट्स का मतलब होता है बूंद, डी आर ए यू जी एच टी एस, ड्रॉट्स घूंट। मैं खामोशी के लंबे लंबे घूंट पीऊंगी एज अ परगेशन। परगेशन का मतलब होता है सफाई, रूह की सफाई के लिए, रूह की सफाई के लिए परगेशन, पी यू आर ए जी पी यू आर जी ए टी आई ओ एन, सफाई। यहाँ पे वो अपने आप से पहला वादा करती है कि आई विल ड्रेन लॉन्ग ड्रॉट्स ऑफ वाइट एज अ परगेशन। मैं खामोशी के लंबे लंबे वक्फे घूंट पीऊंगी किसके लिए, एज अ परगेशन, रूह की सफाई के लिए। यानी वो ये कहना चाहती है कि शी विल रिमेन मोस्ट ऑफ द, शी विल रिमेन साइलेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, कि वो ज्यादातर अपना वक्त खामोशी में गुजारे। दूसरे में वो कहती है रिमेंबर्स, मैं याद करूंगी ट्वाइस डे, दो मर्तबा, मैं दो मर्तबा याद करूंगी हु आई एम, कि मैं कौन हूँ, सुबह होते और रात को सोने से पहले मैं दो दफा याद करूंगी कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे दूसरी लाइन, दूसरे में वो बता रही है एम ऑफ लाइफ, शी विल डिफाइन ऑफ एम ऑफ लाइफ, वो अपनी जिंदगी का मकसद बता रही है, उसे क्यों तकलीफ किया गया है और किसके लिए तकलीफ किया गया है। लय ऑन नाइट, विल लय ऑन नाइट, रात को सोने से पहले, इन द बोनी आर्म्स, बोनी आर्म्स का मतलब होता है सख्त बाजू, बोनी बी ओ एन बोनी ए आर एम्स, बोनी आर्म सख्त बाजू। ऑफ रियलिटी, हकीकत के एंड बी कंफर्टेड, और वो उसे राहत पहुंचाएंगे, सुकून पहुंचाएंगे। यहाँ पे रियलिटी को उसने पर्सोनिफाई किया है, ठीक है, क्योंकि रियलिटी का सामना करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। रियलिटी इज वेरी ऑलवेज हार्शेस। यहाँ पे शहरा जो है वो कहती है शी डिसाइडेड टू फेस रियलिटी विच इज पेनफुल। रियलिटी क्या होती है, रियलिटी का जब सामना करना पड़ता है इंसान को, तो वो इंसान को बहुत ज्यादा दुख देती है, पेनफुल करती है। शी डिसाइडेड शी डिसाइड्स टू फेस reality which is a painful effect। painful effect।
She know. वो जानना चाहती है. Reality is very bitter. वो जानती है. She know. वो जानती है. Reality. The bird knows the life. The bird knows. शायद ये भी जानती है कि life is very painful for a noble man. The bird. Life is. Very painful for a noble man. क्योंकि रियलिटी का सामना करना जो होता है ना, ये बहुत ही बड़ा दुश्वार गुजार होता है. तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी. आप मुझे इजाजत दीजिए.